अगर आप बिहार की राजधानी पटना में हैं और अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने की इच्छा रखते हैं तो पटना के गांधी मैदान पहुंच जाएं। बच्चों को लेकर जाएं गांधी मैदान और सरस मेला में खरीदारी के साथ साथ लीजिए लजीज पकवानों का आनंद। 15 दिसंबर से पटना के गांधी मैदान में सरस मेले का आयोजन किया गया है। सरस मेला में घूमने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। मेले में ट्रेडिशनल, सांस्कृतिक, हस्तशिल्प, विविध पकवान के साथ साथ बिहार के अनेक प्रसिद्ध चीजों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस मेले में बच्चों का मनोरंजन तो होगा ही, साथ ही साथ आप खरीदारी भी कर सकते हैं। 15 दिसंबर से गांधी मैदान में सरस मेले का आयोजन किया गया है। सरस मेले में घूमने के लिए भारी भीड़ लग रही है। मेले में ट्रेडिशनल, सांस्कृतिक, हस्तशिल्प और विविध पकवान भी मिल रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जीविका समूह के साथ राज्य के बाहर की वस्तुएं और खाद्य पदार्थ भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। आपको बता दें, पटना में सरस मेले की धूम मची हुई है। अगर पिछले 8-9 दिनों की बात करें तो इसमें लगभग 8-9 करोड़ रुपए की खरीदारी की जा चुकी है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित सरस मेले में हर दिन लोग जाकर अपनी पसंद की खरीदारी कर रहे हैं। महज 8-9 दिनों में बिक्री का आंकड़ा लगभग 8.5-9 करोड़ तक पहुंच गया है। गांधी मैदान में आयोजित सरस मेले में रोज लोग आकर अपनी पसंद की खरीदारी कर रहे हैं और जबरदस्त बिक्री हो रही है इस मेले में। आपको बता दें कि मेले के 9वें दिन लगभग 1,00,000 लोगों ने मेले में शिरकत की है। सरस मेले का समापन 29 दिसंबर को होगा। साथ ही साथ इस मेले में सांस्कृतिक मंच पर 12 से लेकर 40 साल तक के लोग कलाकार अपनी कला से दर्शकों को रिझा रहे हैं। तो देर मत कीजिए, जल्द पहुंचिए सरस मेला जो पटना के गांधी मैदान में चल रहा है। प्रशासन विभाग के सरस मेला में सब स्थापित पुलिस बल के अनुरोध है की मेला में चलती निगरानी करते रहे। सरस मेले परिसर में डीजी की ओर से जो मुख्य मंच के बगल में है वहाँ जाकर सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध है। आवश्यकों के अनुरोध उनको व्यंजन का आनंद उठाए। बच्चों का खिलौना भी सरस मेला नहीं सरस मेला लगा है और ये बहुत दिनों से लगता आ रहा है। ये हम बहुत पटनावासी लोग, बिहार के लोग इसको बहुत ही इंतजार करते हैं इस मेले का। इस मेला में आपको बहुत ही जमीन से मिला हुआ चीज आपको देखने को मिलेगा। जो पुरानी चीजें होती वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप तरह तरह के देश में जो एक एंटीक सामान मिलता है वो सब आपको मिलेगा यहाँ देखने को। हम लोगों ने कुछ परचेस किया है। ये देखिए, ये सब ऊन का बना हुआ है। उधर देखिए, उधर मिट्टी का कप वगैरह है उधर रखा हुआ। और ये एकदम रियली नेचुरल है ये, क्योंकि मिट्टी का बना हुआ है। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।